हेलो फ्रेंड्स, जन ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बलतमान वाटरफॉल, जो कि यहाँ के लोकल लोग को वाटरफॉल कहाँ पे है बोलने से पता नहीं है। तो ये पुराना वाटरफॉल है, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। यहाँ ढेकी कुटन के नाम से वो जाना जाता है। तो ढेकी कुटन कहाँ पे बोलने से ये लोग बता देंगे आसानी से कि ये जगह ढेकी कुटन है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो हम लोग निकल गए हैं और ये देख सकते हैं, ये बलतमाल का एंडिंग है। यहाँ से हम लोग करीबन 200 मीटर जाने के बाद हम लोग को वर का पेड़ मिलेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड है, तो हम लोग को लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा, जो कि फॉरेस्ट रास्ता है। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब वो हम लोग को मिलेगा। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं रास्ता भी बहुत अच्छा है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जाने के लिए पूरा मस्त है। और ये लंबा रास्ता है, ये पूरा पहाड़ जंगल होके पूरा 30 किलोमीटर आसपास है। तो हम लोग को यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है। तो दोस्तों, यहाँ लोकल लड़का को ही लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलेगा कि वाटरफॉल कहाँ पे है। देखिए, हम लोग वो एरिया को पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी करने के लिए कुछ ऐसा जगह नहीं है कि हम लोग बता सकते कि ये जगह देख के आप लोग यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे जगह देख के इधर जाना है बोल के। ये लोकल लड़का लोग ही जानते हैं। यहाँ पे पतला ही रास्ता इधर है, जो कि ये लोकल लड़का लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे गाय बकरी या फिर लकड़ी लेने के लिए, इसलिए वो लोग जानते हैं। और ये ढेकी कुटिन का एक स्टोरी है, जो कि यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। तो इसी को हम लोग चले सुनते आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करीबन और 200 मीटर होगा। गांव के लोग बताते हैं कि ये ढेकी कुटन क्यों नाम पड़ा। तो इस जंगल में एक शेर था, जो कि बहुत उत्पात मचा रखा था। तो इसी को मारने के लिए सुंदरगढ़ का राजा आए थे उनके पूरे टीम के साथ। तो उनके गोली में गलती से वो शेर को नहीं, बंदर को लग गया और बंदर घायल हो गया था। तो इसी जगह पर उन लोग को बंदर को पूरे 7 दिन तक ट्रीटमेंट किए थे और वो शेर को मारे थे। तो इसी के लिए ये जगह को ढेकी कुटन बोलते हैं, जो कि जो उसके ट्रीटमेंट में 7 दिन तक यहाँ पे जड़ी बूटी ला के यहाँ पे जो जगह में पीसे थे वो जड़ी बूटी को, तो उसी के लिए इस जगह का नाम ढेकी कुटन है। तो कुछ इस तरह है जो दिखा रहा हूँ आपको, वो जहाँ पे कूटे थे जो जड़ी बूटी को, यहाँ पे बंदर को वो रखे थे और उनके टीम पूरा टेंट लगा के यहाँ पे थे। तो ये जगह में वो जड़ी बूटी को कूट के बंदर को ट्रीटमेंट किए थे। और एक पेड़ का फल है और उसी फल को खा के खुद भी खाए थे और बंदर को भी खिलाए थे, जो वो पेड़ का फल भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो राजा थे, जो सुंदरगढ़ का राजा, जो शिवलिंग को पूजा किए थे, वहाँ पे वो शिवलिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ इस तरह है ये ढेकी कुटन। तो इसका नीचे में ही वाटरफॉल है, तो चल लेंगे और उसको वाटरफॉल आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पार्टी हो रहा है भाई लोग। अब देखिए देसी है, देसी मुर्गी का यहाँ पार्टी हो रहा है। यहाँ पे पानी गर्म चढ़ाया हुआ है। यहाँ पे एक शिवलिंग है बोल रहे हैं, शिवलिंग है वहाँ पर, इधर आओ इधर। अरे
देखिए ऊपर डायरेक्ट ऊपर जाता है और शिवलिंग के यहाँ पानी गिरता है। नहीं नहीं, यहाँ का शिवलिंग है जो यहाँ का लोकल लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करते हैं। क्या फल बोलते हैं? मकर कंदा। मकर कंदा ओए मकर यानी कौन देखो ये सब तो मकर का फूल। ये जंगल में ये बहुत सारा पेड़ है जिसे फल को मकरकंदा बोलते हैं। ये भाई अभी चढ़ रहे हैं, अभी दिखाएंगे मकरकंदा। ये वो शिवलिंग है जो यहाँ का राजा जो पूजा किए थे ऐसा है। और वो फल दिखाएंगे और खा के दिखाएंगे उसका टेस्ट कैसा है। ये फल है देखिए, फल का नाम माकर कंदा। मकर कंदा जंगल में मिलता है, खाया जाता है कि नहीं जाता है? इसको खाया जाता है कि उसमें तोड़ के पानी से बनता है। अच्छा ये तो कच्चा वाला है ना, आप खाएंगे ना तो हो जाएगा। ये है मकर कंदा और ये फल को अभी हम लोग खाएंगे। ये जंगली फल है, कितने लोग देखे हैं इसको नहीं देखे हैं कमेंट कीजिएगा। ये जंगल में ज़्यादातर ये जंगल में ये पेड़ मिलता है और देखने के लिए। उसका बीज को ही खाते हैं। देख सकते हैं ये बीज है उसका, ये बीज को खाते हैं। ये थोड़ा कच्चा है और थोड़ा सा ये होने से उसका टेस्ट लगेगा।
मुझे तो खा के देखते हैं। टेस्ट अच्छा है, मीठा है।